हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू काना चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह के 7 बज गए हैं। मैं सावन ले चुकी हूँ, अभी बाल गीला था इसलिए टावल लपेटी हूँ। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही पत्ता गोभी, जिसे आप पनीर से भी बेहतरीन बहुत स्वादिष्ट सब्जी लाजवाब बन के तैयार होगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और हमारे अंदाज में एक बार ज़रूर इसको बनाकर अपने घर में सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शाही पत्ता गोभी कैसा बना। शाही पत्ता गोभी सब्जी बनाने के लिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो गाइस, मैं यहाँ ले रही हूँ पत्ता गोभी। इसको बहुत बारीक बारीक काटना है, चॉपिंग करना है। ये मैंने बारीक बारीक काट लिया है चॉपिंग बोर्ड से, चॉप कर लिया है इसे खूब बारीक बारीक। आप लोग इसे बंद गोभी कहते हैं, हम लोग इधर पात गोभी कहते हैं। तो इसको हम बारीक काट लिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, 3 टमाटर ले लिए हैं, ये लहसुन, लहसुन को मैं छील ले रही हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ लहसुन छील लिया है, 8-10 कलियाँ हैं लहसुन की। यहाँ मैंने प्याज को काट लिया, प्याज को अलग पीसना है मुझे। प्याज को मुझे अलग पीसना है, इसको अलग पीस कर बाकी लहसुन अदरक मिर्चा और टमाटर और 8-10 काजू, इसको हमें अलग पेस्ट बनाना है। पहले हम प्याज को पीस लेते हैं। गैस यहाँ पर मैंने प्याज पीस लिया है। प्याज को मैं निकाल ले रही हूँ। इसको मैं अलग कर ले रही हूँ। इसमें जाएगा काजू, 1 इंच अदरक, लहसुन और मिर्चा, और ये टमाटर, इन सबको हम साथ में पीस लेंगे। सो गाइस, मैंने यहाँ पर टमाटर और काजू और लहसुन का पेस्ट बना ली हूँ मिर्चे का, तो साइड में रख देते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा, आपके पास घी हो तो घी या मक्खन से, इसको हमको थोड़ा सा भूंज लेना है। इस पात गोभी को छोटी सी चम्मच डालना है, हमको इसको भूंजना है। करीब इसे हमें 5 मिनट तक भूंजना है। 2-3 मिनट तक हमें इसे खोल के ही इसको भूंजना है। गैस यहाँ हमारा 2-3 मिनट हो गया है इसे भूने। अब इसको हमें ढक देना है 5 मिनट के लिए, फिर हम खोलते हैं। यहाँ पर हमारा गैस 5 मिनट हो गया है, इसे हम देख लेते हैं। गैस में पानी बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमें इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। एक बार ज़रूर बनाना गाइस, मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब इसमें 2 चम्मच हम घी डालेंगे। गाइस यहाँ पर हम घी ज़्यादा नहीं लिए हैं, बस भूनने के लिए मसाला बस हमारा रहेगा।
ये हमारा हो गया, इसमें जाएगा जीरा, जो मैंने प्याज पीसा था उसको डाल देंगे। हमें इतना भुनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए प्याज का। आप एक बार जरूर बनाएं, कोई नहीं जान सकेगा कि परात गोभी की सब्जी बनी हुई है, इतना लाजवाब सब्जी बनती है इसकी, कोई समझ भी नहीं पाएगा कि आप पात गोभी की इतनी टेस्टी सब्जी बनाएं। बस हमें इतना भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद मैंने ये जो टमाटर, काजू, मिर्चा, अदरक पीसा था इसको डाल देंगे। गैस को यहाँ कर देंगे इसका। मैंने जो पीसा था टमाटर वगैरह वो डाल देंगे, इसको अच्छे से चला देंगे। एक मिनट तक हमें ऐसे ही पकाना है। गैस हमारा एक मिनट हो गया है। अब इसी से मिल जाएगा मेरा मसाला। यहाँ मैंने थोड़ी छोटी चम्मच हल्दी डाल दिया है, एक चम्मच भर कर धनिया, थोड़ी सी और डाल दे रहे हैं, रेड मिर्ची पाउडर, यहाँ एक चम्मच गरम मसाला, इसको हमें चला देना है। हमें ढक देना है। हम यहाँ पर सब्जी चेक कर लेते हैं। मसाला हमारा तेल छोड़ चुका है, अब इसमें जाएगा मटर। ये जो बंद गोभी हमने भुना था वो, इसे हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ थोड़ा गैस को हम कर देंगे तेज, इसको भून लेते हैं। बस हमको एक मिनट तक और भूनना है। बस हमें इतना ही भूनना है। और इसमें डाल देंगे घर का ताजा मलाई, छोटी कटोरी से मैंने एक कटोरी लिया है, को चला देंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी डाल के डाल देते हैं। हमें यहाँ थोड़ा गाढ़ा लग रहा है सब्जी, ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। थोड़ा सा पानी हमें ऐड कर देना है। बस
समय ग्रेवी इतना ही गाढ़ा रखना है ताकि हमारा पकने में थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। गैस को कर देंगे हम कम, इसे पकने देंगे बस 10 मिनट तक के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं सब्जी कैसी है और नमक डालना है। वाह, ग्रेवी मेरी गाढ़ी हो गई है, बहुत ही लाजवाब सब्जी बन गई है। इनमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अब इसका तड़का बनाएंगे। हमारी सब्जी बन गई है, इसका तड़का तैयार कर देते हैं। पैन को रख दिया है, इसमें जाएगा 2 चम्मच घी। ये मैंने डाल दिया 1 तेज पत्ता। थोड़ी सी जीरा, यहाँ पर कस्तूरी मेथी, कश्मीरी रेड पाउडर चिली, बहुत ही टेस्टी सब्जी बन गई है। गाइस एक बार जरूर ट्राई करना। छौंका लगा दिया है गैस, मैंने यहाँ तड़का लगा दिया है। वाह, यहाँ मैं थोड़ा सा और भुना हुआ ऐसे मसल कर कस्तूरी मेथी डाल देना है हरी धनिया से। हमको डेकोर कर देना है। ये सब्जी आपकी कोई नहीं कह सकता है कि पात गोभी की सब्जी है। जो नहीं खाता है वो भी खाना शुरू कर देगा गैस। यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब ये सब्जी टेस्टी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। प्लीज गैस एक बार ज़रूर बनाना आप, फिर कमेंट बॉक्स में बताना। गाइस सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी है इन्होंने बताया है खा के, और एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा घर पर बनाकर, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा ये पात गोभी की सब्जी बनी हुई है। और गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।